वैशाली एसपी रवि रंजन कुमार ने मोबाइल दुकान में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दुकान से चोरी किए गए मोबाइल और गैस कटर समेत दुकान की शटर काटकर चोरी करने वाले कई उपकरण और अन्य औजार बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश और वैशाली में छापेमारी कर 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में बीते 24 फरवरी को मोबाइल दुकान में चोरी हुई थी। वहीं महुआ थाना क्षेत्र के महुआ बाजार में बीते 8 जून को मोबाइल होलसेल दुकान में भी चोरी हुई थी। इसी मामले में 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से 63 स्मार्टफोन, 1 कीपैड मोबाइल, 1 टच बरामद किए गए हैं। ये वैशाली जिला अंतर्गत संगठित गिरोह के द्वारा विगत कुछ महीनों से मोबाइल दुकान में शटर काट के चोरी की घटना निर्धारित की गई थी। इसमें मुख्यतः नगर थाना अंतर्गत और महुआ थाना अंतर्गत 2 कांड की गई थी। इन कांडों के उद्भेदन के लिए सदर एसडीपीओ, महुआ एसडीपीओ, इन दोनों के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें नगर और महुआ थाने के पदाधिकारी एवं डीआईयू के पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे। इस टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय आसूचना के आधार पर कुल 7 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। इन अपराध कर्मियों ने अपनी स्वीकारोक्ति में इन दोनों घटनाओं में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है और इनके पास से इन दोनों कांडों में चोरी किए गए कुल 63 स्मार्टफोन, 3 कीपैड मोबाइल, 1 टैब, इसकी बरामदगी की गई है। साथ ही इस घटना को कारित करने में गैस कटर और सिलेंडर जिसका उपयोग किया गया था उसको भी बरामद किया गया। इन गिरफ्तार 7 अपराध कर्मियों में से 5 की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। इस घटना को पारित करने के पश्चात इन लोग इस मोबाइल को खपाने के लिए दिल्ली लेके